नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 गणित में निर्देशांक ज्यामिति अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने विभाजन सूत्र किया था। उसमें आज एक टॉपिक और बता रहा हूँ मैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। मध्य बिंदु अर्थात एक ऐसा बिंदु जो दोनों बिंदुओं के बीच में उपस्थित हो। मान लो एक बिंदु ए जिसके निर्देशांक एक्स एक वाई एक और एक बिंदु बी जिसके निर्देशांक x2, y2 दिए हुए हैं, तो उनको मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल मध्य में उपस्थित जो इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करें, उसके ऊपर हम टॉपिक कर रहे हैं। अगर ये बिल्कुल बीच में उपस्थित है तो इसका मतलब इस रेखा का एक भाग इधर होगा और एक भाग इधर होगा। उस स्थिति में एम एक का मान भी एक होगा और एम दो का मान भी एक होगा। एक्स एक वाई एक, एक्स दो वाई दो उसी प्रकार से परिभाषित होंगे। अगर इसके निर्देशांक x और y मान लिए जाएं, तो x निर्देशांक निकालने का सूत्र था m1 x2 माइनस प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो x बराबर, क्योंकि m1 का मान भी एक है और m2 का मान भी एक है, इसलिए x2 प्लस x1 बटे 1 प्लस 1, जिसको हम x1 प्लस x2 बटे 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार y का जब मान निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटे 2 आ जाएगा। अर्थात मध्य बिंदु के निर्देशांक जब भी निकालने होंगे किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देकर ज्ञात किए जा सकते हैं। अर्थात x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 का उपयोग करते हुए हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्नावली 7.2 में दो सवाल मैं करवा चुका हूँ। तीसरा सवाल थोड़ा लेंथी सवाल है जिसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हल करना आसान है। तो मैं चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप खुद प्रैक्टिस करके देखें, हो जाएगा। वैसे ही है जैसे कि हम पीछे करते हैं, दो बिंदु हमें आ जाएंगे, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र लगाते हुए दूरी ज्ञात करनी है और उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक इस सूत्र की सहायता से हमें ज्ञात करना है। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 में। चौथे सवाल में हमें दिया हुआ है कि बिंदुओं -3, -10, -6, -7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, -6 किस अनुपात में विभाजित करता है ये ज्ञात करना है हमें। तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार एक बिंदु ए दिया हुआ है जिसके निर्देशांक -3, -10, दूसरा बिंदु बी दिया हुआ है जिसके निर्देशांक 6, -8, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु सी जिसके निर्देशांक -1, -6 है वो किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। m1 अनुपात m2 का मान निकालने के लिए सबसे पहले x1 का मान -3, y1 का मान 10, दूसरा निर्देशांक x2 होता है जो 6, y2 का मान -8, फिर x का मान -1 और y का मान 6, M1 का मान M1 और M2 का मान M2 दिया हुआ है, हमें M1 और M2 का अनुपात निकालना है, यानी M1 बटे M2 का मान ज्ञात करना है। M1 बटे M2 का मान निकालने के लिए X और Y दो सूत्र पड़े थे हमने, X निर्देशांक निकालने का सूत्र था और Y निर्देशांक निकालने का सूत्र था। दोनों में से किसी का भी उपयोग करते हुए हम हल कर सकते हैं। X का मान निकालने के लिए हमने ये सूत्र पढ़ा था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, इसका उपयोग कर लेते हैं। x का मान -1, m1 का मान m1 ही है, x2 का मान 6 प्लस m2 का मान m2 ही है, m x1 का मान -3 बटे m1 प्लस m2, ये भाग में है, इधर आएगा गुणा में आएगा, -1 के गुणा में m1 प्लस m2 बराबर 6m1 -3 m2। हल करते हैं, -m1 -m2, क्योंकि -1 से गुणा करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे चिन्ह बदल जाएंगे दोनों के,
बराबर 6m1 माइनस 3m2। ये 6m1 इधर आएगा तो माइनस का, और ये m2 अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 3m2 प्लस m2। हल करेंगे, माइनस 7m1 बराबर माइनस 2m2, माइनस से माइनस कट गया, m1 के बटे में ये m2 आ जाएगा और ये 7 इसके बटे में आ जाएगा, अर्थात यह m1 अनुपात m2 का मान 2:7 होगा जो हमें ज्ञात करना था। इस प्रकार से जब भी हमें अनुपात ज्ञात करना होगा हम इस विधि का उपयोग करेंगे। इसमें ये ध्यान रखें कि y निर्देशांक लेते हुए, यानी y का मान 6 लेते हुए, जो y का सूत्र किया था उससे भी इसको ज्ञात किया जा सकता था, उससे भी आंसर 2:7 ही आएगा। पांचवा सवाल, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और बी 4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्स को विभाजित करता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि जब भी एक्स एक्स पर कोई बिंदु विभाजित करता है तो एक्स एक्स के लिए जो बिंदु होता है वो 0 लिया जाता है। जब भी एक्स एक्स पर कोई बिंदु होगा उसको हम 0 से परिभाषित करते हैं। अब हमें दिया हुआ है एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी, ए बिंदु के निर्देशांक 1-5, बी बिंदु के निर्देशांक 4-5, ये एक्स एक्स को काटता है। अगर एक्स एक्स को काटता है तो एक्स एक्स पर जो बिंदु होता है उसको लिखा जाता है 0 से। पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये जो बिंदु एक्स एक्स को काट रहा है उसके कारण ये रेखा किस अनुपात में विभाजित हुई। मान लेते हैं m1 और m2 अनुपात में विभाजित हुई, तो उस स्थिति में जैसा अभी अभी हमने किया था सेम उसी प्रकार से करना है। x1 का मान 1 है, y1 का मान -5, x2 का मान -4, xy2 का मान 5 है। m1 m2 एज इट इज़ रहेंगे, x का मान x ही दिया हुआ है और y का मान 0 दिया हुआ है। हम इसका उपयोग करते हुए सबसे पहले m1 और m2 का मान निकालेंगे, फिर x का मान ज्ञात करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ y का मान दिया हुआ है इसलिए y का सूत्र उपयोग में लेंगे। y का सूत्र कुछ इस प्रकार से था, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। मान रखेंगे y का मान 0, m1 का मान हमें ज्ञात करना है, y2 का मान 5 प्लस m2 का मान हमें ज्ञात करना है, y1 का मान -5 बटे m1 प्लस m2। ये भाग में है, इधर आएगा गुणा में आएगा, 0 के साथ गुणा करेंगे ये बन जाएगा 5m1 -5m2। हमें पता है 0 को किसी से भी गुणा करें तो 0 ही आता है, अर्थात 0 बराबर 5m1 -5m2। ये m1 को इधर लेके आएंगे तो -5m1 बराबर -5m2 हो जाएगा, माइनस से 5 से -5 कैंसिल। m1 बटे m2 का मान निकालना है जो 1/1 आ जाएगा, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर 1:1 है। 1:1 तभी आ सकता है जब यह मध्य बिंदु हो। हम ये कह सकते हैं कि C मध्य बिंदु है। अगर C मध्य बिंदु है तो x का मान निकालने के लिए जो हमारे पास उत्तर बनेगा वो सीधा x1 प्लस x2 बटे 2 से परिभाषित किया जा सकता है। x1 का मान 1, x2 का मान -4/2, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x1 प्लस -4/2, जिसको 1-4/2 यानी -3/2 लिखेंगे। अतः C बिंदु के निर्देशांक -3/2, 0 है तथा यह एक्स एक्स द्वारा विभाजित होती है। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। छठे सवाल में हमें दिया हुआ है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6, 3,5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज हमने ये पढ़ा हुआ है, समांतर चतुर्भुज का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है।
समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं में हमने ये पढ़ा है कि इसके विकिरण कभी भी बराबर नहीं होते तथा इसके विकर्ण हमेशा समद्विभाजित होते हैं, यानी एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। अगर ये विकिरण ए सी, ये विकिरण बी डी है, तो ये जो ओ बिंदु है वो ए सी का भी मध्य बिंदु होगा और बी डी का भी मध्य बिंदु होगा, क्योंकि विकर्ण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज के वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसी शर्त का हम उपयोग करेंगे। हमें बिंदु दिया हुआ है ए बिंदु 1,2, बी बिंदु दिया हुआ है 4,y, सी बिंदु दिया हुआ है 6,x और डी बिंदु दिया हुआ है 3,5। हल करेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है अतः विकर्ण ए सी व विकर्ण बी डी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हमने 9वीं क्लास में भी पढ़ा है, 8वीं में भी हमने समांतर चतुर्भुज के कंडीशंस में पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के विकिरण हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ओ ए सी का व बी डी का मध्य बिंदु है। अगर ओ मध्य बिंदु है, सबसे पहले ओ ए सी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र हमने पढ़ा था, उसके अनुसार ओ के निर्देशांक निकाले जा सकते हैं। इसमें एक्स एक का मान 1, वाई 1 का मान 2, एक्स 2 का मान एक्स, वाई 2 का मान 6, तो उस स्थिति में मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ओ के निर्देशांक वो था हमारे पास उत्तर x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसके अनुसार ओ के निर्देशांक लिखे जाएंगे x1 + x2 यानी 1 + x/2 और y1 + y2 यानी 2 + 6/2। 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आता है, इसलिए 1 + x/2, 4 ओ के निर्देशांक होंगे यदि यह ए सी का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार ओ बी डी का भी मध्य बिंदु है। अगर बी डी का मध्य बिंदु है तो इसी सूत्र के द्वारा हम बी डी के बी और डी का मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक्स वन का मान 4, वाई वन का मान वाई, एक्स दो का मान 3, वाई दो का मान 5, तो उससे ओ बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2 से ज्ञात किए जाएंगे। x1 + x2 यानी 4 + 3/2 और y1 + y2 यानी y + 5/2। हल करेंगे तो ये बन जाएगा 7/2 और y + 5/2। लेकिन ये ओ बिंदु जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों में ही है। अगर दोनों में कॉमन है तो हमारे पास जब इसको हल करेंगे दोनों के निर्देशांकों को बराबर रख लेंगे, क्योंकि ओ दोनों में समान है। अगर दोनों में समान है तो उस स्थिति में 1 + x/2 बराबर होगा 7/2 के। हल करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x का मान निकालना है, 1 + का उधर जाएगा माइनस का, x का मान 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 बराबर आ जाएगा y + 5/2 के। ये निर्देशांक 1 + x/2 7/2 के बराबर होगा और 4 y + 5/2 के बराबर होगा। इससे y + 5 बराबर आ जाएगा 4 × 2 यानी 8। y का मान निकालना है, 8 में से 5 घटा देंगे 3, अर्थात y का मान 3 हो जाएगा। तो x का मान 6 और y का मान 3 है इस समांतर चतुर्भुज के लिए, जो कि हमें सवाल नंबर 6 में हल करना था। अन्य हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।